घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हम आपको बता दें दो अहम खबर। एक तो आरुषि हत्याकांड में जो फैसला है उसमें उनके जो माता पिता खास तलवार दोनों को बरी कर दिया गया है। तलवार दंपति बरी होने के बाद ये सवाल है कि उनकी हत्या आखिर किसने की, इस पर भी चर्चा करेंगे। और एक और अहम मसला है वो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान था लेकिन आज सिर्फ ऐलान हिमाचल प्रदेश को लेकर हुआ और 9 नवंबर को वहां वोट डाले जाएंगे। पहला ऐसा स्टेट है जहां संपूर्ण रूप से वीवीपैट की भी व्यवस्था करने की घोषणा की गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति को जब बरी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे और क्या कहा है कोर्ट के बाद जब फैसले के बाद वकील ने, पहले आप वो देखें। सामने जो बात आई वो साफ ऑनरेबल दोनों जजेस ने ये पाया कि जो भी केस तलवार दंपति के खिलाफ बनाया गया था वो बेबुनियाद था। जो एविडेंसेस पेश किए थे उनमें कोई दम नहीं था। हमारा ये मानना था, हमने जो अपील यहां पर 22 सितंबर 2016 में शुरू करके 17 जनवरी 2017 में खत्म करी, उस दौरान 4 महीने में हम लोगों ने लगभग 16 अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के ऊपर बहस करी और हम लोगों ने यह साबित किया कि एक भी सर्कमस्टेंस हमारे क्लाइंट्स के खिलाफ नहीं बनता था। इस कारण वर्ष ऑनरेबल डिविजन बेंच ने हमारे क्लाइंट्स को आज बरी करते हुए पूरी तरीके से बाइज्जत बरी किया है। गैदरिंग एंड वी सी दैट एवरी डे ऑन फोरेंसिक फाइल्स, फॉर इंस्टेंस व्हेन यू वॉच हाउ द एफबीआई इन अमेरिका क्रैक्स ओपन ब्लाइंड केस मर्डर केसेस, the CBI had a very large volume of DNA evidence which they ought to have used to crack open this case. They didn't do that. Instead, they based their entire investigation on suppositions, on prejudices, and we are very sorry that the CBI conducted itself in this very, very not just incompetent but virtually criminal manner. I have no doubt that there are such large egos in the CBI that they are going to make a futile attempt to appeal to the Honorable Supreme Court. But I have no doubt that the Honorable High Court I have not seen the judgment yet, but I have no doubt that if what was argued has been the basis of the Honorable High Court's judgment, then the CBI will have absolutely no case in the Supreme Court. In fact, they have a case to answer in the Supreme Court of why they have been so incompetent. की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जहां अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हत्यारा है कौन, जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और डासना जेल के जेलर उन्होंने क्या कहा वो भी आप देख ले। समाचार माध्यमों से उनको भी जानकारी मिल चुकी है कि उनको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया है और उनमें अब जो है बिल्कुल वो लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि भाई हमको अब इंसाफ मिला। देखिए अब ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला कब तक हम तक पहुंचेगा इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही फैसले की कॉपी ड्यू कोर्स में हमारे पास पहुंचेगी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री ही है, फैसले के बाद भी। उपेंद्र जी, जो चीजें सामने दिख रही है, जिस तरह से फैसला है और फैसले के बाद जब बरी किया गया है, बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दिया गया है और 9 साल के बाद जब उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ें, क्योंकि इतने उलझे हुए थे सवाल, लोग सवाल का जवाब चाहते थे, तमाम लोगों की नज़रें आज भी देश की नज़रें इस पर टिकी हुई थी कि फैसला क्या आता है। बरी होने के बाद ये सस्पेंस जो है और मुझे लगता है गहरा गया। देखिए ये सस्पेंस पहले ही बना हुआ था क्योंकि जो एजेंसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने भी कहा था कि कौन मर्डर है हमें पक्का नहीं पता और उसने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी। आपको याद होगा कि कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया गया था, ये कहा गया था, शक व्यक्त किया गया था कि शक तो यही दोनों पर पूरा है लेकिन चूंकि एविडेंस। ये बात जरूर है कि कुछ इस देश में क्राइम ऐसे हुए हैं जिसमें पूरा देश जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और उसकी एक इंटरेस्ट तो होता ही है। अभी आपसे पहले कुछ दिन पहले एक वो हमारे मीडिया टाइकून का भी नाम जिस तरीके से आया और वो मर्डर किस तरह से निकला और उसने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया और अभी उसके बाद में एक शशि थरूर नाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी बीवी का जो मर्डर हुआ है,
और ये जो फैसला आया है, मुझे विद सो मेनी प्रिकॉशंस मुझे लगता है कि इस देश में जुडिशरी और इस देश की जांच एजेंसियां जो हैं अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। अगर आपके देश में कोई ऐसा मर्डर हो जिससे पूरा देश अचंभित हो और 9 साल के बाद आप इधर उधर इसने ये दिया उसने वो दिया और आखिर में ढाक के 3 पात, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी गरीब आदमी या मिडिल क्लास लेवल का ये मर्डर होता तो क्या कोर्ट ये फैसला सुना पाती कि आपने फैसले को बिल्कुल पलट दिया है और ये भी नहीं बताया कि कौन आकाश गंगा से आदमी पाताल से आया था जिसने ये मर्डर कर दिया है, ये भी पता नहीं है। लेकिन शशि थरूर के मामले में भी आप देखिए पूरी इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से डिलेट की गई है। क्या ये किसी काम आदमी के साथ ये मर्डर होता तो क्या शशि थरूर की तरह घूम रहे होते? तो मुझे लगता है कि कुछ मर्डर इस देश में सत्ता के कौन नजदीक है, सियासत में कौन लोग हैं, आप जानते हैं दोनों पति पत्नी का संबंध जो था उस वक्त मायावती के साथ था, उस वक्त के जो रिटायर्ड डीजी हैं उन्होंने अपने मुंह से कहा, टेलीविजन के ऊपर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका उनका अपने दोस्तों से बयान है कि किस तरीके से मायावती ने दबाव दिलवा करके इसमें से कुछ चीजें हटवाई। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई इसमें नई बात नहीं लगती कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो चलेगा, लेकिन किसी चीज को लंबा खींचो और उसके बाद फैसला बिल्कुल वो दो जो कहीं एक्सपेक्टेड ना हो। इसलिए बहुत हमारी जांच एजेंसियां और हमारी कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठते रहे हैं और यह फैसला भी जो है एक बड़ा सवाल खड़ा करती है समाज में। अगर समाज को जुडिशरी पे यकीन नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं हमको देखना चाहिए। आप प्रियदर्शिनी मट्टू केस देखिए, फिर शिवानी भटनागर मर्डर केस देखें, फिर हम जिसका आपने जो दो जिक्र किया उसको देखें, और सबसे अहम जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं आरओसी मर्डर केस में, अगर हम देखें क्या एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण एक आम लोगों को भी आज एक मन में सवाल होगा, आखिर कहाँ पे चूक हुई, कहीं तो चूक हुई है, जो जांच में जांच को लेके ही सवाल उठ रहे हैं कि जांच आपका जिस तरह से होता है, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने, फिर बहुत देर के बाद फिर सीबीआई उसमें मामले को सौंपा गया, तो ये जो पूरी देर हुई या जो कुछ हुआ उसमें जो गैप रहा है, या इसमें आपको लगता है कि नहीं जाँच को लेकर जो शुरुआती सवाल रहे हैं वो आज भी वही सवाल कायम है? देखिए शुरू में ही बहुत गड़बड़ी कर दी गई थी, इसकी जो जांच हुई है जांच ही नहीं, जो खास करके शुरुआती दिन है पोस्टमार्टम को लेकर के सवाल उठे, उसमें रिपोर्ट बदलने तक का आरोप, रिपोर्ट बदलने तक के आरोप लगे, कुछ उसके मिले भी लेकिन किसने किया, जो सही था उसका जेन्युइन रिपोर्ट कहाँ गई, क्या हुआ, उसका जो सैंपल है उसको बदलने तक की बात आई थी। फिर है कि एक हत्या हुई थी, हेमराज की हत्या हुई थी बिल्कुल नौकर की, उसकी लाश 2 रोज के बाद मिलती है, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस पहुंचा है, हत्या कहीं हुई है तो कम से कम देखेगा नहीं कि हत्यारा किधर भागा होगा, नीचे रास्ता से गया होगा ऊपर गया होगा, उसको टेस्ट करता है पहले ही, आमतौर पर कुत्ता भी लाया जाता है कि वो कुत्ता भी अगर वहां पर लाया जाता है डॉग उसका पुलिस का तो वो भी वहां तक पहुंच जाता लाश तक, लेकिन उस लाश का पता चलता है 2 दिन के बाद। तो वो पुलिस जो सबसे पहले वहां पर गई थी, जिसने देखा सबको सबसे पहले लाश को पहले देखा, वो हवलदार हो या दरोगा हो या सब इंस्पेक्टर हो या डीएसपी लेवल का हो, सर्किल अफसर हो, वो जो अफसर है वो जिम्मेदार है कि उसने सही ढंग से उसकी तहकीकात नहीं की, पूरी तरह से उसने छोड़ दिया जिसे लग रहा हो। अगर, अगर अगर बहुत कम शब्दों में इस मामले को, जो कि ऐसा पेचीदा मामला है जिसपे अब एक जो बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है कि आखिर कौन है हत्यारा, और इस कौन है हत्यारा इसका जवाब ना आपके पास है, ना जांच एजेंसी के, ना कोर्ट्स के फैसले के बाद, हालांकि उनको बरी किया गया, लेकिन ये आगे आने वाले दिन में आपको लगता है कि इस तरह के कुछ और भी मामले हैं पुष्पेंद्र जिसका आप दे रहे थे, कहीं से भी इसको आपको इस तरह के जो मामले हैं खास करके आरओसी मर्डर केस में कहीं कुछ आने की गुंजाइश आपको लगती है कि चीजें बदल सकती हैं? दिलीप देखिए बहुत रेयर होता है, मैंने देखा कि हमने कभी देखा नहीं कि साहब कुछ हो गया हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट गांधी जी की हत्या को दोबारा से सुनना चाहती है, गांधी जी की हत्या के बारे में किसने की दुनिया में सब बात खत्म हो चुकी है लेकिन उस पर सुनवाई हो सकती है, 1990 के अंदर कश्मीर से कई सारे हजारों लोगों की हत्याएं हुई मारे गए उसका उनपे सबूत नहीं है इसलिए वो सुनना नहीं चाहते। आरूषी मर्डर केस के बारे में मैं फिर कह रहा हूं कि जो बात उपेन जी कह रहे हैं
कि जानबूझ के, क्योंकि उस वक्त सत्ता में जो लोग बैठे थे, जो उत्तर प्रदेश में जिनकी सत्ता थी और ये दोनों पति पत्नी जिनके नजदीक थे, ये बातें बड़ी मंजरे आम थी, कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं थी कि किस तरीके से केस में जो आईओ होता है जिसका पहला का, और उस आईओ की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन होता है जो जो पहले दिन जाकर के सब कुछ लिखता है। तो ये पहले दिन से इस केस को बिगाड़ा गया, और हिंदुस्तान में जब केस सब कुछ बिगाड़ दो और उसको डंप करना हो तो एक डस्टबिन बना हुआ है जिसका नाम है सीबीआई, उसको आप डाल दीजिए, उसके बाद वो चलता रहता है। और फिर सीबीआई में ना सीबीआई के किसी आदमी की इसमें टांग खींची जाएगी, ना पुलिस वाला कोई बर्खास्त होगा, बात खत्म हो गई, किसने लिया किसने दिया। 8-9 साल के बाद लोगों का जोश कम हो गया और आज फैसला आ गया, 2 दिन तक चर्चा होगी, उन लोग छूट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जाएगी नहीं जाएगी ये चलेगा, लेकिन मुझे मानना, मैं बार बार फिर कहूंगा, इस किस्म के फैसलों से भारत की जुडिशरी पे सवाल खड़े होंगे और यह समाज के सामने उस जुडिशरी को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि जिस समाज का वो जुडिशरी है उसके अंदर भरोसा है कि नहीं है। आप फैसला कुछ भी दें, आप बहुत सारे ऐसे फैसले देते हैं जिनके बारे में लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन क्या इस देश में बड़े लोग, उच्च लोग, रिच लोगों के लिए कोर्ट को मैनेज करना आसान होता है और गरीबों के लिए नहीं होता है? इसलिए बड़े सारे जज ने कहा है, जो पुराने खेर साहब है उन्होंने भी यह कहा कि भारत के अंदर जो है न्याय बहुत महंगा हो गया। तो न्याय बहुत महंगा हो गया तो जो महंगे लोग हैं वो मैनेज करते हैं न्याय को, इसका मतलब है गरीब आदमी के लिए नहीं है। तो आज का फैसला भी मैं समझता हूं भारत में जुडिशरी के प्रति एक भरोसे का सवाल खड़ा जरूर करता है कि ये किस किस्म के फैसले हैं, कैसे ऐसे हो जाते हैं, और बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट भी चीजें होती हैं उसमें भी कहीं थोड़ा बहुत होता समझ में आता है ग्रे, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट केस है। कोर्ट ने अभी तक यह नहीं कहा कि यह बताया जाए कि किसने मर्डर किया है, क्या इतना बड़ा मर्डर था क्या, आज तक पता ही नहीं चला लोगों को किसी को। तो सवाल यह है कि वो भी कोर्ट को पूछना चाहिए था। हशप हशप लगता है मुझे ये सारा केस। फिल्म भी बन गई, तलवार नाम की फिल्म भी बनी, लोगों ने सराहा भी, तमाम जो मिस्ट्री थे उसको कोशिश करने की गई कि इसको देश के सामने लाया जाए, लेकिन कुछ उसका आया नहीं। चलते चलते बहुत कम शब्दों में, रवि पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप इसको एक बिल्कुल आम लोग के नजरिए से अगर देखें क्या मैसेज मिलता है इस? देखिए दिलीप जी, अगर हम बात करें इस केस के, पूरे केस की, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने इसको बारीकी से कुछ चीजों को नहीं देखा, लेकिन अंत में वही बातें होती हैं, जो फैसला आता है समाज है, समाज इसको भूल जाएगा थोड़े वक्त के लिए, इस दर्द को महसूस जरूर करेगा, लेकिन जो मैसेज की बात हो रही है समाज में, कहीं ना कहीं एक अच्छी मैसेज तो नहीं ही गई है, चूंकि ये मामला बहुत संगीन था, मैसेज ठीक नहीं गया। हिमाचल में भी रवि भाई, एक लड़की का मर्डर बड़ा चर्चा का विषय रहा, वो कैसे उसकी लाश मिली, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसमें तो हम बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं और चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है, 9 नवंबर को चुनाव होंगे और एक महीने से कम में पूरा चुनाव संपन्न होगा, 27 दिन 26 दिन में। तो इसके क्या मायने हैं, किस तरह से पार्टियां तैयार है, क्या स्थिति है, किसके पक्ष में माहौल है, क्या हवा का रुख क्या है, तमाम चीजें चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब 9 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे, और इसके साथ ही जहां एक और उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने, उसके लिए भी तारीख का ऐलान हो गया, होना था लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाबत जो चुनाव आयोग के सूत्रों की तरफ से जो खबरें आ रही है कि गुजरात के जो चुनाव होंगे उसकी वोटों की गिनती भी 18 दिसंबर को होगी, जो हिमाचल में 9 नवंबर को चुनाव होंगे और 18 दिसंबर को गिनती होगी, वो गुजरात के साथ ही गिनती होगी, लेकिन चुनाव के तारीख जो है वो अगले हफ्ते इस डेट की घोषणा होगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजेट नोटिफिकेशन इज 16th अक्टूबर मंडे, एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस इज 23rd अक्टूबर 2017, विच इज अगेन मंडे। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस विल बी 24th अक्टूबर 2017,
last date for withdrawal of candidatures is 26th October 2017. The date of polling would be 9th November 2070, Thursday. And the date of counting of the polling result would be on 18th December 2017, that is Monday. And date before which election shall be completed would be 18th December 2017. The poll in the state will be conducted at all the 7,521 polling station, which the breakup is 7,479 regular polling station and 42 auxiliary polling station. The commission has already made arrangements to ensure availability of required number of EVMs and VVPATs for the smooth conduct of election. The first level check of EVMs and VVPAT has been completed in the presence of representative of the political parties. A two-stage randomization of EVM and VVPATs will also be done. The model code of conduct comes into force immediately from now onwards. All the provisions of the model code will apply to the whole state of Himachal Pradesh and will be applicable to all candidates, political parties and the state government of Himachal Pradesh. The model code of conduct shall also be applicable to the union government in as far as announcements, policy decisions pertaining to these states are, that is Himachal Pradesh is concerned. तो आपने पूरी बातें सुन ली और सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि हिमाचल में जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे इसे कांग्रेस मुक्त, जो भारत उनका नारा रहा है जिसपे वो लगातार कहते हैं वो काम कर रहे हैं, तो यहां से हिमाचल प्रदेश से क्या वो कांग्रेस मुक्त या भाजपा की नई सरकार वो बना पाएंगे, या फिर वीरभद्र सिंह वहां पे जो रथ लगातार जारी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो प्रचंड बहुमत हुआ है वहां पे वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी उसको रोकने में कामयाब होंगे, क्या स्थिति है, क्योंकि समय बहुत कम है। और सबसे पहले आपको बता दें कांग्रेस के तरफ से जो बयान आया है वो क्या आया है, वो आप देखते हैं उनके प्रवक्ता ने क्या कहा है। फुल चुनावी मोड पे हैं और कांग्रेस की फुल प्रूफ तैयारी चुनाव के लिए हो चुकी है और हम 10 दिन से चुनाव की तारीखों की घोषणा का वेट कर रहे थे और कंटिन्यू हम लोग का दौरा हो रहा है। 7 को मंडी में राहुल गांधी जी ने ऑफिशियली वीरभद्र साहब को हमारे इस चुनाव का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी घोषित कर दिया गया है। बनाम आप बीजेपी को कह सकते हैं कि अभी उनके पास 5-6 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वहाँ पर उन्होंने बहुत कंफ्यूजन है कि मोदी बनाम वीरभद्र चुनाव लड़ेंगे या नड्डा साहब आएंगे या शांता कुमार आएंगे या धूमल साहब आएंगे या जामवाल आएंगे। लड़ाई उनकी है और प्रोपेगेंडा वो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी सिचुएशन में हिमाचल में है। 5 साल पिछले वीरभद्र साहब ने जितने ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए हैं, कर्मचारी का 4% बढ़ाने से लेकर, सांसद हैं और वहां प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी से, देख रहे हैं चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव के लिए तैयारी के बाबत वो सारी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस तैयार है। इससे पहले हम पुष्पेंद्र जी और उपेंद्र जी के पास जाएं, सबसे पहले हम रवि पांडे जी हमारे सहयोगी भी हैं वहां हिमाचल में, लगातार वो कई दिनों से वहां पे कोशिश कर रहे हैं ये नब्ज जान टटोलने की कि वहां स्थिति क्या है। रवि, अगर हम ये देखें कि आज चुनाव का ऐलान हो चुका है, बहुत समय कम है, दोनों पार्टी राष्ट्रीय दल है वहां पे, वीरभद्र सिंह भी वहां पे मुख्यमंत्री ही हैं और वहां पे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से पूरे संगठन को लगातार, जिस तरह से बैठक के दौर आज भी वहां बैठक का लगातार चल रही थी, कल भी बैठक थी हम देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर हम तैयारी के दृष्टिकोण से देखें तो क्या दोनों पार्टी के तैयारी बराबर हैं या आपको लगता है कि दोनों पार्टी के तैयारी के बीच में कुछ फर्क है? दिलीप जी, अगर हम तैयारी की बात करें तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह भी जो हिमाचल का दौरा करके जो वहां का जो सियासी पारा है जिस तरीके से इन लोगों ने वहां पे गर्म किया है, वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी भी मंडी दौरा करके जो आगाज होती है चुनाव की उन्होंने कर डाली है। ऐसे में बात अगर हम तैयारियों की करें तो एक तरफ के अभी प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है
ऑलमोस्ट वो 5 साल से अपनी तैयारी में लगी हुई, उसको पता है कि हमें 5 साल के बाद फिर से चुनाव को जीतना है। लेकिन जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि हम 50 प्लस और 60 प्लस लेकर के आएंगे, जो तैयारियां दिख रही हैं, हालांकि हम अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि किसकी तैयारी अच्छी है किसकी तैयारी खराब है, बराबर की तैयारी आप दिख रहे हैं, बराबर की तैयारी अगर हम करें तो दोनों ही कमर कस चुके इस चुनावी जंग में आने के लिए, और दोनों का ही दावा है कि एक का कहना है कि हम मिशन को रिपीट करेंगे और दूसरे का अगर ये जो शॉर्ट टाइम दिया गया है, इस शॉर्ट टाइम में एडवांटेज अगर हम देखना चाहें तो किसके पक्ष में आपको लगता है ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इस इतने शॉर्ट नोटिस? सबको लग रहा था कि आखिर में नवंबर के आखिर में या दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकता है, ये बहुत पहले लगभग नवंबर के पहले सप्ताह के जस्ट को 9 तारीख को चुनाव है तो 8 तारीख 7 तारीख के शाम में चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से, समय के दृष्टिकोण से, जो टाइम मिला है उस दृष्टिकोण से उसको अगर देखें तो ये किसके पक्ष में स्थिति जो है फेवरेबल हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो केंद्र पहले से उसकी सरकार है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ लगातार संपर्क में रहने के बावजूद उनको ये सारी चीजों की पहले से हो सकती है कि उनको पता हो और उनकी तैयारी उस तरह से हो। लेकिन वहीं कांग्रेस की जो सरकार है अभी प्रदेश में, उन लोगों ने भी ये मान लिया था कि चुनाव आयोग का कभी भी आचार संहिता का लगाया जाना या शॉर्ट टाइम मिलना, तो हम ये नहीं कह सकते किसी को नुकसान होगा। तैयारियां दोनों नहीं कर रखी होंगी, तैयारियां में कोई कमी नहीं रखी होंगी लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा, हम लोगों ने ये कयास लगा रखा था कि कहीं ये 20 नवंबर के बाद चुनाव की बात हो, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में करना ये दोनों के लिए थोड़ी सी एक घबराहट वाली बात है कि कैसे ये लोग तैयारी करेंगे, चूंकि समय कम है, इस बीच में दीपावली भी है, जी जी छुट्टियां भी रहेंगी और 9 नवंबर को जो चुनाव है और 18 दिसंबर को उन्होंने उसकी घोषणा भी कर रखी है और 16 से 23 अक्टूबर के बीच का जो समय है नामांकन का, उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं, 24 से 26 तारीख तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, तो ये जल्दीबाजी ही कही जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग की अपनी एक पॉलिसी होगी किस तरीके से सब कुछ मैनेज करेंगे, और वहीं पार्टियों की भी, चूंकि दोनों ही नई पार्टियां नहीं है तो दोनों की तैयारियां भी उसी मुताबिक। चलिए चलिए अहमद, बहुत पुष्पेन जी, बहुत शॉर्ट नोटिस, हालांकि एक्सपेक्टेड था कभी भी हो सकता है, वो तो तारीखों का ऐलान हो गया, एकदम 9 तारीख को चुनाव करवा लिया गया। लोगों का ये लग रहा था, कई विश्लेषक हमने चर्चा की कि जो आर्थिक खास करके जो दर गिरने के कारण और जिस तरह से कांग्रेस ऑफेंसिव है उसके कारण और कुछ थोड़ा इंतज़ार करके जो सरकार है केंद्र सरकार वहाँ पे चुनाव जो है इसको कोशिश अपने तरफ से उनकी रहेगी कि ये जितनी देर से हो उतना बेहतर है। लेकिन जो कुछ चुनाव आयोग ने फैसला लिया है उसके बाद, एक तरफ तो उन्होंने गुजरात में चुनाव का तारीखों का भी ऐलान नहीं किया और दूसरी तरफ जो तारीख आपको दिख रहा है सीधे सीधे हिमाचल प्रदेश के लिए, उसमें एडवांटेज किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए, एक तो बात यह है कि ये देखिए कि मोदी जी वहां दौरा कर चुके हैं और ठीक ठाक दौरा उन्होंने किया, और आज ही प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ, जो आपको याद है कि आज कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट के डिग्री कॉलेजेस की तनख्वाह का मामला आया है, वो भी एक घोषणा बड़ी है, उसका भी इम्पैक्ट वहां होगा। और अमित शाह 2014 से लेकर के कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वो चुनावी मोड में ना हो, और भले ही प्रधानमंत्री वहां गए हों, अमित शाह चाहे आप अमेठी से अटैक कर रहे हो कांग्रेस पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक अपनी मेरी सोर्सेज हैं कि इस 10 दिन के अंदर उनको कैंडिडेट फाइनल ही नहीं करने, 10 दिन के अंदर लास्ट डेट है कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने की, तो इस 10 दिन के अंदर सबसे बड़ी चुनौती रूलिंग पार्टी के सामने होती है कि रूलिंग पार्टी किसका टिकट काटेगी और किसको देगी, वहां ज्यादा जद्दोजहद होती है। मुझे लगता है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसमें लोगों को टिकट नहीं मिला तो कोई खड़ा हो गया और कोई हंगामा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा एज है। एक तो उसकी वजह यह है कि उसकी केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री का बड़ा दौरा हुआ है, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस वक्त वहाँ कही हैं, घोषणा भी कही, एम्स की बात भी कही और भी दूसरी बात कही। और तीसरी बात जो कांग्रेस के सामने संकट है कि कांग्रेस, जैसे कि वो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता रंजन ने अपनी बात कही कि भाई हमारा तो कैंडिडेट भी मुख्यमंत्री का घोषित हो गया है, तो आपको याद होगा कि उस कैंडिडेट के घोषित होने से पहले काफी जद्दोजहद अंदर में चल रही थी, केंद्र नेतृत्व कुछ चाहता था और राज्य में कुछ चाहता था, अब उसके बाद में कैंडिडेट कौन सेलेक्ट करेगा। और तीसरी जो बड़ी बात है कि वीरभद्र जो है इस वक्त यूपीए के जमाने के
उन पे जो आरोप लगे हुए थे, उस जमाने की जो एफआईआर है, वो उस पूरे भ्रष्टाचार को वो अभी भी झेल रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री वीरभद्र बने हैं और उनको घोषित कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नाम से जोड़ने में और ज्यादा आसानी होगी, और उनको मुख्यमंत्री घोषित करने पे बीजेपी के लिए चुनाव ये आसान होगा। मेरे आप कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक तो जो यूपीए के जमाने से भ्रष्टाचार के मसला चल रहे हैं वो उसको लेके बीजेपी आक्रामक होगी, और भ्रष्टाचार को लेके ऑलरेडी वो जेल वो जा रहे हैं, जमानत पे हैं, वो तमाम सारी चीजें हैं, वो एक एडवांटेज है भारतीय जनता पार्टी प्लस एंटी इनकम्बेंसी, वहां पे उनकी सरकार है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भ्रष्टाचार का मसला जो जिसमें वो फंसे हुए हैं वो भी भ्रष्टाचार नहीं, और उनको सीएम कैंडिडेट बना के तो और आपने और ऑफिशियल कर दिया कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, पुष्पा उपेंद्र जी से भी चर्चा करेंगे, और कांग्रेस के हमारे साथ नेता होंगे शकील जुबान अंसारी साहब, उनसे भी पूछेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 9 नवंबर को चुनाव होंगे और 18 दिसंबर के चुनाव परिणाम की घोषणा होगी, और ये घोषणा गुजरात में भी तब तक वोटों की गिनती, उसी दिन गुजरात चुनाव के भी परिणाम आएंगे, लेकिन गुजरात चुनाव के लिए तारीख का ऐलान नहीं हुआ, हिमाचल के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। हम चर्चा कर रहे थे कि क्या एडवांटेज किसको है इतने कम समय में अगर चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है तो एडवांटेज बीजेपी को है या कांग्रेस को है, क्योंकि यहाँ दो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है, वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दावा कर रही है कि उनको बहुत सारे एडवांटेज वहाँ पे है, और मैं उसको उपेन जी, एडवांटेज बीजेपी या एडवांटेज कांग्रेस, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, वहाँ बारी बारी से सरकार बनती रही है, एक बार कांग्रेस की बनती है, फिर भारतीय जनता पार्टी की बनती है, बहुत दशकों से लगता है, 2-3 दशक से ऐसा है और लगातार बीच में एक आध कोई एक्सेप्शन हो तो हो, तो इसलिए उस लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है। लेकिन अगर नेता की बात हो तो हमें लगता है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ किसी को नहीं प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका फायदा कांग्रेस को हो जाएगा। फिर आपने चर्चा की भ्रष्टाचार की कि उन पर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, वही तो इनका एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही बारी बारी सरकार बदल जाती है। तो मैं ऑलरेडी कह चुका कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन भ्रष्टाचार का हो सकता है, अगर इस इशू को बहुत रेज किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसका फायदा कांग्रेस को हो जाएगा अगर भ्रष्टाचार को ज्यादा। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी अमित शाह का नाम आया हुआ है भ्रष्टाचार के रूप में। आप बिहार को याद कीजिए, बिहार में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया इन्होंने, कौन एक कुशवाहा था उसका हटवा दिया मंत्रिमंडल से, क्या क्या किया, तो उस समय भी उस चुनाव के पहले व्यापम घोटाले की चर्चा थी, सुषमा स्वराज के भ्रष्टाचार की चर्चा थी, वसुंधरा राजे सिंधिया के भ्रष्टाचार की चर्चा थी, तो उस चर्चा के माहौल में बिहार का चुनाव हो रहा था, तो उसके कारण है कि आप लालू यादव का जो भ्रष्टाचार है उसको आप नहीं खड़ा कर सकते थे, अगर खड़ा करते हैं तो उल्टा जाता। फिर एक कुशवाहा को ले आया, उसका टेप दिखला करके उसको अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया, तो लोगों को लगा कि तो 2-4 लाख रुपया लिया था और यहाँ तो लोग हजारों करोड़ रुपया खा रहा है, उस पर तुम्हारी नज़र नहीं है, और 4 लाख ले लिया कुशवाहा ने तो उस पर बहुत हाई तोबा कर रहे हो, और वो भी कुशवाहा ने लिया चंदा के रूप में लिया, कोई आकर दिया कहा कि जी हम आपको दे रहे हैं 4 लाख, हमारा ध्यान रखेगा ना चुनाव जीतने के बाद, बोला कि हाँ ध्यान रखेंगे, उसी को आपने तो चुनाव। तो वैसे ही अगर वीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार को, जैसा कि पांडे जी ने कहा, तो 6 करोड़ का मामला या 4 करोड़ का मामला है तो लोग कहेगा कि भाई ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, और अभी अमित शाह के बेटे का 50,000 रुपया 80 करोड़ कैसे बदल गया एक साल के अंदर, 4-5 महीने के अंदर हो गया। तो अभी चूंकि इन पर एक आरोप लगा है और वो आरोप है जो अभी लाइव आरोप है, और हम लगता है इसको और कांग्रेस के लोग और आगे बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया में सारे मीडिया में इसकी चर्चा होगी, जैसे जैसे उसके कोर्ट में सुनवाई होगी, 100 करोड़ का उन्होंने दावा किया है तो वैसे ही मीडिया में आएगा। तो ये इस जिंदा दावे एक आरोप लगा हुआ है, उस बीच में अगर वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, एक तो वीरभद्र सिंह बहुत एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गए हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो हमारे इंडियन लोगों का जो मेंटेलिटी है कि ऐसे लोगों के प्रति लोगों को सहानुभूति भी हो जाती है, कहेगा कि भाई देखो इतना एक 50,000 का 80 करोड़ कर दिया और ये है जो इन पर 4 करोड़ के लिए इतना ये कर रहा, तो ये है जो सहानुभूति फैक्टर हो जाएगा उनका, और भ्रष्टाचार इशू तभी बनता है जबकि एक पक्ष है जो
पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ, दूसरा पक्ष है जो भ्रष्टाचार के आरोप से पूरी तरह मुक्त हो। नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के आरोप से पूरी तरह मुक्त थे 2014 के चुनाव में, तो उनको लोगों ने पसंद किया। लेकिन आज अभी मामला है कि अमित शाह जो है, हमें लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों चुनाव में, हिमाचल प्रदेश के और गुजरात के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी अभी अमित शाह है, क्योंकि उन पर आरोप लग रहा है और उस पर वो पूरी तरह से चुप हैं। और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, उनके मंत्री ने आके जवाब दिया, मंत्री ने जवाब दिया, वो तो नहीं जवाब दे रहे हैं उससे तो। और अभी तो क्या है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है भारत सरकार का, वो उनका वकील बन रहे हैं, तो ये सबसे तो और लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं भाई। एक लोक लाज होता है कि एक सरकारी वकील को आप अपने बेटे का वकील बनवा रहे हैं सरकार से के लॉ मिनिस्ट्री से लेकर के। इसलिए हमें लगता है कि भ्रष्टाचार के इशू को बहुत रेकअप किया कांग्रेस ने वहां हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर बीजेपी ने रेकअप किया उसका फायदा कांग्रेस को हो जाएगा। चलिए शकील साहब, जो स्थिति है, कोर्ट एक मामला होता है जो जैसे वीरभद्र सिंह जी के मामले में है कि वो कोर्ट से चीजें हो रही है, एक है कि एक कोई खबर है जिस खबर का खंडन किया गया है उसको लेके आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, दो मामले हैं। तो लोगों के बीच में जब मामले जाते हैं तो लोग उसको अपने तरह से देखते हैं कि उसमें सच्चाई क्या है। तो भ्रष्टाचार के अलावा भी अगर हम देखें, सरकार आपकी 5 साल से वहाँ है, वहाँ का जो ट्रेंड रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस की सरकार वहाँ बनती रही है, तो इस वक्त और राहुल गांधी जाके उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि वीरभद्र सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे अगर कांग्रेस पार्टी की वहां जीत होती है, तो पूरी चीजें कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के रूप में हम देख रहे थे कि अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी तैयारियां पहले से चल रही थी, हम पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिलाकर के अगर हम आज अगर इस आकलन को बहुत शॉर्ट टाइम में जब चुनाव के तारीख दिए गए हैं, आपको लगता है कि एडवांटेज कांग्रेस है? देखिए, अगर ट्रंप की बात सोचें और ये अगर आप सोचें जो गिनती जो है 1:1 जो है वो ऐसे होती नहीं है कि एक बार होता है, अरे ब्रेक भी होता है, कोई ट्रेडिशन परमानेंट नहीं होता है कि इस बार बीजेपी हो जाएगी, ऐसा कई स्टेट में होता रहा, ये ब्रेक क्या है। तो इस बार निश्चित रूप से हिमाचल में ब्रेक होने वाली है और वीरभद्र सिंह की दोबारा सरकार बनेगी, उसका कारण क्या है, तैयार है इसलिए कि वीरभद्र सिंह के स्टेचर का कोई लीडर जो जनता के बीच इक्वली पॉपुलर हो वो बीजेपी के पास नहीं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है वो। नरेंद्र मोदी कहां कहां चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं, चेहरा तो वहां चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, राजस्थान के बनेंगे के हिमाचल के बनेंगे, अब वो कहानी खत्म हो गई, वो जादू था। अभी अभी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिली, आप कहते हैं कहानी खत्म हो गई, ठीक है आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आप ये कह सकते हैं। नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के नहीं है, लेकिन आप बताइए ना कहां मिल गई, किस पार्टी के? आप देखिए स्थानीय जो चुनाव हुए हैं, वहां पे चुनाव में गुजरात में क्या हुआ, चुनाव में, अरे आप बताइए ना गुजरात में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर को तो रिजाइन करके चले जाना चाहिए था, अमित शाह का करप्शन के बाद इनको शर्म भी आनी चाहिए थी, ये दो जोड़ी जो है ना, ये जो जोड़ी है ना देश को रूल कर रही है, जिससे बीजेपी खुद त्रस्त है, इन जोड़ी से बीजेपी के नेता, बीजेपी टोटली टोटल त्रस्त है। अब उसके बाद आप बोल रहे हैं अरे अपर हैंड है, आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन आपको बोलना जो है वो प्लान अगर है तो करिए, कांग्रेस हारने वाली नहीं है, कांग्रेस वहां जीतेगी, अच्छी तरह से जीतेगी। और जो बीजेपी के पास अब करप्शन के लिए कहने का चेहरा ही नहीं है, उनके पास कुछ मुंह नहीं, अच्छा, है कुछ बोलने के लिए है नहीं, करप्शन वेपम का करप्शन, करप्शन ही करप्शन, हर जगह बीजेपी का करप्शन अब दिखाई पड़ रहा है, एक तरह का करप्शन, ये तो कर्नलिज्म ही वाला करप्शन, लोगों को तो दिखाई है करप्शन है। अब करप्शन के लिए वीरभद्र सिंह के साथ संपैथी क्यों है, जिस दिन बेटी की शादी हो रही थी उस दिन आप रेड करा रहे थे वीरभद्र सिंह, एक चीफ मिनिस्टर के घर में वो क्या भाग रहा था उस दिन आप रेड, तो ये कई कारण है ना। अखिल सर, मैं आपको रोकना चाहता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं, शांता कुमार जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। रवि, जो बात शकील साहब कह रहे हैं, अरे भैया अभी हम कह कहां रहे हैं, अभी तो एक मिनट, बहुत सारे करप्शन को बोला करप्शन पे करप्शन, तो मैं सिर्फ रवि से ये समझना चाहता हूं कि क्या जो करप्शन का मसला, जो बात कह रहे हैं करप्शन के मामले को अगर देखें,
जहां मामला कोर्ट से होके गुजर रहा है और जहां मामला एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पे एक सेकंड कमाल है। और वहां जो मामला कोर्ट में गया है वहां 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोका गया है। तो दोनों में अगर भ्रष्टाचार का मसला जो वहां पे जाहिर है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है और कांग्रेस के तरफ से अब जो अभी आपने कांग्रेस के नेता को सुना ही वो क्या कह रहे हैं, कुल मिला के अगर हम करप्शन को लेके देखें तो वहां पे किसको ज्यादा एडवांटेज है? देखिए, मैं शकील जी की बात से थोड़ा सा सहमत इसलिए नहीं हूं कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा किसी व्यक्ति एक व्यक्ति पे लगा वो है वहां के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। तो बीच में मैं आपको बताऊं दिलीप जी कि 2015 में जब इनको बुलाया गया दिल्ली और तमाम चीजें न्यायालय के द्वारा चल रही थी तो उसी उन्हीं के पार्टी के कांग्रेस के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये तो मान लिया था कि शायद वीरभद्र सिंह दिल्ली से इस बार वापस न आए और केंद्र में जो हमारे आलाकमान है वो प्रदेश के लिए एक नए मुखिया का नाम सामने ला दे। तो कहीं ना कहीं अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार का आरोप आज केंद्र सरकार के किसी और प्रतिष्ठित व्यक्ति पर भी लगा, उनके लड़के पर भी लग गया, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति पर लगा था तो क्यों नहीं इस बार वीरभद्र सिंह का चेहरा ही चेंज कर दिया गया? अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था तो 2015, 2016 और 2017 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोगों ने भी मान लिया था कि शायद ऐसा हो जाए कि इनको सजा हो जाए और कोई पार्टी में साथ नहीं दिख रहे थे। वहीं पार्टी का जो अंतःकलह निकला, बाहर निकल के जो आया, दो संगठन हो या सत्ता में, ये उसी भ्रष्टाचार की मुख्य कड़ी थी। नहीं तो वहां से ये चीजें निकल करके आना शकील जी बहुत मुश्किल की बात थी। अगर वीरभद्र सिंह का चेहरा दोबारा अगर रिपीट किया है तो कांग्रेस ये मान लिया कि इस पर भ्रष्टाचार का आरोप गलत है, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया जाना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा देखे ना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अभी हिमाचल पे, हिमाचल पे जरा फोकस कर मैं अगर हिमाचल की शकील जी बात, हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में कुछ नहीं, अभी चुनाव हिमाचल में है, 9 नवंबर को शकील साहब चुनाव हिमाचल में है और हम हिमाचल पे चर्चा कर रहे हैं। तो हिमाचल में वीरभद्र सिंह के पक्ष में जनता की हवा है। देखिए वीरभद्र सिंह एक बहुत बड़े नेता का नाम रहा है, 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे, वहां के राजा परिवार से आते हैं, ऐसे में सिंपैथी होना लाजमी है, लोगों का एक स्नेह आम व्यक्ति के साथ हो जाता है। जाली भ्रष्टाचार के आरोप लगा के उनको परेशान कर रहे हैं ना, ये कोर्ट परेशान करती है। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट परेशान कर रही है, अब हम न्यायालय नहीं, अगर जाली केस बना तो वो जज को नहीं दिखता है कि क्या चीजें गलत है क्या ठीक है, तो अभी कोर्ट में कोई फैसला आ गया क्या? आप और हम जजमेंट देंगे, दे दी क्या आप एडवांस बोल रहे हैं? जो नहीं मैंने नहीं दिया, सजा दे दी जो आप कोर्ट के बीच में ले आए मामला, आप एकदम हेस्टेड बात कर रहे हैं। एक चीज बताइए, बात तो ये है कि न्यायालय में मामला गया, पुलिस ने केस बनाया, जाली और नाजायज केस बनाया, न्यायालय इंसाफ देगा? ये कोर्ट में मसला है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट का मसला है तो क्या हो गया? क्यों कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी है? थोड़े क्या मान लिया गया वो करप्ट है? उनका केस भी उसी तरह है जिस तरह से अमित शाह के बेटे का। ये जो कांग्रेस के रुख में जो आक्रामकता पुष्पेंद्र आई है, नए तरीके से, नए जोश, नए जज्बात, राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने वाले हैं महज, इससे शकील साहब इतने उत्साहित हैं कि वो कोर्ट को नहीं देख पा रहे हैं। वो कोर्ट से मामला चल रहा है, अरे कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है? नहीं लिया है, लेकिन दो मामले जिसको आप इसको उलझा रहे हैं। मैं उलझा नहीं रहा हूं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं आप उलझा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं दिया है, कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मसले को इन्वेस्टिगेशन होगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट न्याय करेगा। आप उसको कंफ्यूज मत करिए प्लीज। नहीं आप कंफ्यूज मत करिए, शकील भाई ये आपकी ख्वाहिश है और अल्लाह करे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हो, लेकिन अभी तक ये ख्वाहिश है, खबर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम दो चीजों में कंफ्यूज कर रहे हैं, आरोप लगना और कोर्ट की प्रोसीडिंग होना और कोर्ट से जमानत मिलना, दोनों में फर्क है। अगर आप ये मानते हैं जैसा कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट को अपनी जेब में रखती थी और आज भी ये मानती है कि कोर्ट से फैसले वही कराती है, लिहाजा सुन प्लीज, अब मैंने कुछ बोला नहीं, बड़े बड़े नहीं बड़े बड़े सुन फैसले हो गए, अरे आप कांग्रेस पॉकेट में, अरे भाई आप तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे मान हानि की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के में कोर्ट रहती थी, आप बहुत गलत बात, मैं वही तो कर रहा हूं, बता रहा हूं ना कैसे कहते, नहीं गलत, आपकी तो प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा मेरे जज, क्या बात कर रहे हैं आप,
आपने तो घरों में चीफ जस्टिस बनाए, क्या बात कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जो मानसिकता है कि कोर्ट के जो कुछ भी होता है वो कैसे कराया जाता है, वो मैनेज होता है, इसलिए आप कोर्ट को भी वही समझ रहे हैं। इसलिए आप कभी कोर्ट के बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। मनमोहन सिंह को कोर्ट ने नोटिस भेजा, वैसा पहले कभी नहीं। आप चुप रहिए दो मिनट। मनमोहन सिंह को कोर्ट ने नोटिस भेजा, आप दांडी मार्च निकाल रहे थे। लिहाजा आपका चक्कर यह है कि किसी आदमी ने आरोप लगाया है, किसी आदमी के आरोप को तो आप अल्लाह मियां का के अल्फाज समझ रहे हैं, और जिस आदमी के ऊपर केस चल रहा है जो जमानत पे है वो कह रहे हैं कि उस पे आरोप है। दोनों चीजों में फर्क है। बहुत लोग हैं इस देश में जमानत पर तरीपार भी थे। अरे आपकी तो प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष दोनों जमानत पे जाओगे, तरीपार थे। चलिए चलिए एक मिनट। हाँ। इसके अलावा अगर भ्रष्टाचार के अलावा मुद्दा को देखें, भ्रष्टाचार पे आप कह रहे हैं, शकील साहब कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास भी कुछ हथियार है जिसपे हम हमला बोल सकते हैं। जी जी जी, वो इसीलिए ज्यादा खुश। लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा अगर वहां पे मुद्दे की बात हम करें रवि, भ्रष्टाचार के अलावा कौन कौन से वहां मुद्दे होंगे? देखिए अगर वस्तु स्थिति जो अभी के चुनाव में आ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो अभी उनके पास तीन चार जो मुद्दा है। मंडी जिला में एक वन रक्षक होशियार सिंह का मौत का मामला एक सामने आ गया। गुड़िया प्रकरण जो कोर्ट खाई में हुआ निहायत ही वो शर्मिंदगी भरा रहा। लेकिन कुछ मामलों, तीन चार मामलों को अगर ले लें, या फिर ये कहना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एक आरोप लगाना कि ऐसी कौन सी फसल, ऐसी कौन सी बूटी है जो राजा जी के बाग में बहुत कीमती सेव का उगना या इतनी पैसे की सेव का बिक जाना, तो अगर तीन चार बातों को अगर दिलीप जी हम ले लें तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो हिमाचल प्रदेश में है, वो उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके पास इसके बाद और कुछ भी बात करने को अभी तक सामने देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा आपको याद होगा 3 अक्टूबर को बिलासपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा केंद्र सरकार से लेकर केंद्र में मैंने कांग्रेस की केंद्र से लेकर के प्रदेश सरकार तक सारे लोग जमानत पे हैं। तो एक नई जो चीजें वहां निकल के आई, या उनका यह कहना कि क्यों ना मुख्यमंत्री का चेहरा आप चेंज कर देते हो, या वहां से तो किसी ने कहा कि भाई किसको चेंज करें, हमारे दिल्ली से लेकर के हिमाचल तक लोग एक ही तरह हैं, सारे लोग जमानत में। तो जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लग रहा है वो या तो होशियार सिंह गुड़िया प्रकरण जो का मामला है, और वो सेव के बाग बगीचे के बाद, इसके बाद फिलहाल जो ग्राउंड की रिपोर्ट है कांग्रेस पे, इसके बाद कोई भी आरोप लगता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर हम विकास की बात करें कि आपका बार बार ये कहना कि एडवांटेज किसको मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो अगर हम विगत 2 से 3 महीनों की बात करें तो विकास की जो बौछारें प्रदेश सरकार ने इस बार हिमाचल प्रदेश में लगाई है, लोगों पे कहीं ना कहीं एक राज करने वाली बात जरूर है। लेकिन वैसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो डिमांड रखी गई थी, एम्स की बात कर लें, अगर हम ट्रिपल आईटी की बात कर लें, या कांगड़ा की गई, या जो व्यवस्था की गई माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो शिलान्यास किया गया वो भी एक बहुत अगर आरोप लगाने के कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रहार करती है तो सिर्फ तीन है, होशियार सिंह का मर्डर केस, कोर्ट खाई गुड़िया प्रकरण। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है, और जो विकास का मुद्दा है वो दोनों पार्टी बराबर पे है। भ्रष्टाचार को लेकर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक और जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख अगर चुनाव के राजनीतिक चुनाव सियासत को देखें, इसको देखें तो एक चेहरा होता है जो एडवांटेज कांग्रेस के साथ इस वक्त है कि वीरभद्र सिंह ही बनेंगे चाहे उनके ऊपर जो भी मामले हैं, लेकिन ये एडवांटेज बीजेपी ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके उनके साथ बहुत सारे और चेहरे होते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, वो चुनाव में जब जा रहे थे किसी का नाम ऐलान नहीं किया, हमने उत्तराखंड में भी देखा और उसका फायदा वहां पे हमें देखने को मिला। यहां पे क्या स्थिति होगी उपेंद्र जी चेहरा को लेके? देखिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में फर्क है। उत्तर प्रदेश है जो पूरा समझे कि कास्ट कंट्राडिक्शंस उसमें बहुत ज्यादा है, अगर किसी एक जाति के नेता को रखते तो 3 जातियों के लोग नाराज हो जाते, इसलिए वहां नहीं रखना उसके लिए फायदेमंद था। और एक अखिलेश यादव थे नेता चेहरा थे, एक मायावती चेहरा थी, दोनों थे जो कि लोकसभा चुनाव में दोनों की भद पिट गई थी, तो वहाँ है कि फायदेमंद था। इसी कारण बिहार में भी नहीं किया, अगर करता बिहार में तो शायद और नुकसान हो जाता भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो पूरा कास्ट 5-6 जाति और जाति समूह आपस में कंपटीशन कर रहे हो और एक को आपने दिया बाकी 4 को नहीं दिया, 4 जो नाराज हो जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वैसी स्थिति है नहीं, हिमाचल प्रदेश में वो कास्ट कंट्राडिक्शन नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो उसके कारण है कि यहाँ नुकसान हमें लगता हो जाएगा, क्योंकि
यानी भारतीय जनता पार्टी को नेता चेहरा नहीं रखने का, नहीं रखने का। फिर है कि नरेंद्र मोदी की जो अपनी जो छवि है उस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव से एक बहुत स्ट्रांग लीडर की थी, आज भी उसमें डिमोनेटाइजेशन में जो आ रहा है, फिर और खबरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो हमले हो रहे हैं यशवंत सिन्हा वगैरह जो कर रहे हैं, तो इसका है कि अब वो फरवरी के समय मार्च के समय जो उनकी इमेज थी जो छवि थी वो नहीं रही। उस समय लोगों को लग रहा था, जिन लोगों के नुकसान भी हुए थे, जिनके घर में एक दो शादियां नहीं हुई थी, एक आध कोई मर भी गया था, तो उनको भी लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने तो किया बहुत बढ़िया काम किया है, अब इसमें हो गया और नुकसान तो हो गया। लेकिन अब वो लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन का जो मामला था अब है कि उतनी विश्वसनीयता नहीं रही है। मोदी जी सही बात है कि मोदी जी का भी अभी जादू खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी वाला जो उनके था, उत्तर प्रदेश वाला जादू उस वक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो जादू था वो नहीं है, तो वो अब नहीं है, हमें लगता है कि मुश्किल अगर वो वहाँ खड़ा होंगे तो हमें नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश है जो वहाँ रिपीट हो सकता है। वहाँ उनको एक नेता दे दें वो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद रहेगा। शकील साहब, आपको लगता है कि वीरभद्र सिंह जी के चेहरे को आपने सामने रखे, क्योंकि जो कांग्रेस में जो लड़ाई थी ये सबको पता है, शायद आप उसको स्वीकार ना करें, लेकिन आप जानते हैं कि वहां पे वीरभद्र सिंह कांग्रेस में जो एक गुट वीरभद्र सिंह दूसरे वीरभद्र सिंह के विरोधी और बहुत तीव्र बहुत कठोर तरीके से वो लगातार उन्होंने विरोध किया आखिरी दम तक। आज भी कुछ नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको उनके जो कैंडिडेटर को अनाउंस किया गया उसके खिलाफ आज भी लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने जाके उनके नाम का ऐलान किया, एक तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार का, दूसरा एक चेहरा जो छह बार लगातार छह बार वही चेहरा कांग्रेस पार्टी में, कोई नए जो है यूथ को नहीं, एक बुजुर्ग को आप लेके आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो यूथ का है। ऐसे में वीरभद्र सिंह के चेहरा को आगे करके आपको कितना फायदा होगा? देखिए, बेसिक बात है कि किसी भी राजनीतिक दल में देखिए तो पद पाने के लिए या ग्रुपबाजी रहती ही है। हम कह दें आज अडवाणी जी कहाँ बेचारे सो रहे हैं और दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। देखता है पार्टी ये कि उसमें कौन सबसे ज़्यादा सहयोग करके जनता का विश्वास लेके आगे इलेक्शन के लिए इफेक्टिव होता है। तो वीरभद्र सिंह अभी कांग्रेस के पास जीतने के लिए सबसे बड़ा टूल्स है। हो सकता है कुछ कांग्रेसी नाराज हों, उनको मना लिया जाएगा या मन जाएंगे, या कई लोग तो होते हैं कि सत्ता में आएंगे तब तो फिर हम भी पद पे रहेंगे, पहले तो विरोध करते रहते हैं, लेकिन कोई एक सत्ता में आने के बाद ही सारे तो आप मानते हैं कि एक आपका यूएसपी जो हिमाचल प्रदेश चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा एसेट है आपका वो वीरभद्र सिंह है। निश्चित रूप वो चेहरा सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा एसेट है, और उसी चेहरे पर जीत होने की संभावनाएं हैं, उसी चेहरे पर जीत होने की संभावना है। ऐसे कैंडिडेट रवि, इस चेहरे से हारने की संभावनाएं ज्यादा है या कम है? देखिए दिलीप जी, मैं उसी बात पर आना चाह रहा था कि जो चेहरा को लेकर हिमाचल है, तो हिमाचल की जो पिछली वीरभद्र सिंह को लेकर बिल्कुल फोकस्ड, अगर आप मुझे, क्योंकि समय बहुत कम रह गया हमारे पास, अगर हम वीरभद्र सिंह को लेकर करें तो लोगों में एक उनके प्रति जो लगाव अभी रुझान जो दिख रहा है, जो अभी हलचल मची हुई राजनीति में, तो वो इसलिए पॉजिटिव थोड़ी दिख रही है इसलिए कि भाजपा ने कोई चेहरा अभी सामने नहीं रखा है, जबकि भाजपा के दो बड़े बड़े लीडर को भी भाजपा ने हाँ नहीं किया है तो ना भी नहीं किया है। तो ऐसे में अगर हम चेहरे को देखकर चुनाव की जो स्थितियां देख रहे हैं वहां कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह का जो पड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। चलिए पुष्पन जी, लास्ट वर्ड। देखिए शांता कुमार जी, एक बहुत बड़ी चीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, शांता कुमार जी जो बात रवि कह रहे हैं, जो इशारों में कह रहे हैं कि शांता कुमार और धूमल जी ये बुजुर्ग लीडर हैं, पुराने हैं, इनको नाराज नहीं किया है, लेकिन ये भी सच है कि इनका मुख्यमंत्री की रेस में कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखें कि जिस तरीके से पहली सभा के अंदर मंच पर बैठे हुए जेपी नड्डा, जो वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दौर से रहे हैं, उनका पूरा परिवार बिहार से कनेक्टेड है, जेपी नड्डा को जिस तरीके का महत्व दिया गया बगैर ये कहे कि ये मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। ये अलग बात है कि पार्टी उसको अनाउंस नहीं करेगी। इतनी बड़ी पार्टी आप कहते हैं विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो तो पार्टी, तो अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में चेहरा दी तो क्या अंजाम, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, वो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। हम सिर्फ इतना चाह रहे थे कि आप आखिर में कह रहे हैं कि इस वक्त जो है नहीं चेहरा रहने का एडवांटेज बीजेपी को है, मुझे लगता है आपको यही कह रहे हैं, जो एडवांटेज यूपी और उत्तराखंड में आप देख रहे हैं। फिलहाल
कई और पक्ष हैं, मुद्दे भी होंगे, स्थानीय मुद्दे भी होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे भी होंगे। राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं वो भी एक चीज़ देखने का होगा। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ सीधे हमला हो रहा है अमेठी से, वो भी देखने वाली बात है। और इसके साथ साथ कई सारे पक्ष और भी हैं चुनाव के, जिस पर हम आगे आने वाले दिनों में चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।